इंदौर खजाना गणेश के श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में पाबंदी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने सेकेंड वैक्सीन का डोज नहीं लिया है तो भगवान गणेश के दर्शन क्या मंदिर परिसर में भी आपको एंट्री लेने नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है महाअभियान के तहत मंदिर समिति द्वारा। जानिए क्या है दिशा निर्देश। वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हो चुका है और इसको लेकर मंदिर, मस्जिद, मजार, हर चीज पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे भी जनता को जागरूक किया जा सके और वैक्सीनेशन का सेकंड डोज जो है जनता को जल्द से जल्द लगे। इंदौर में करीब 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अभी बाकी है। इसको लेकर मंदिर समिति भी पुरजोर तरीके से आगे आ रही है। हमारे साथ इंदौर के खजाना गणेश मंदिर के अशोक भट्ट जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे इंदौर के खजाना गणेश के लिए मंदिर में जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनको कैसे आप जागरूक? विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर ये जो कोरोना महामारी है, इसका अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि विदेशों में भी यह चालू हो गई है और फिर से यह कोरोना के पेशेंट बढ़ सकते हैं। तो एक जन जागरण अभियान जो कलेक्टर साहब के माध्यम से चलाया जा रहा है, पूरे इंदौर में चलाया जा रहा है, उसमें आज यहाँ पर मीटिंग हुई है। उसमें हम मंदिर प्रबंध समिति की तरफ से भी हमारी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि खजराना गणेश मंदिर पर जितने भी कर्मचारी, पुजारी और सिक्योरिटी गार्ड, सफाई वाले और जो भी लगभग 150-200 लोग हैं, उनको और उनके परिवार को कंपलसरी सेकेंड डोज लगना अनिवार्य कर देंगे हम लोग। और जो भी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आएंगे, वहां पर वैक्सीन सेंटर बना हुआ है, वह पहले वैक्सीन लगवाए उसके बाद ही दर्शन करें। सेकेंड डोज उनका लगा होना आवश्यक होगा। इस प्रकार का रोको टोको अभियान यहाँ पर चलाना होगा जिससे सब लोग सुरक्षित रहे और जो अगली ईयर लहर की जो संभावना है वो कम हो जाए, इसलिए सबको सेकेंड डोज लगाना अनिवार्य है। और खजराना गणेश मंदिर पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं उनसे निवेदन किया जाएगा कि पहले सेकेंड डोज लगवा ले, उसके बाद ही उनको दर्शन लाभ मिल सकेगा। तो इंदौर के लोगों का जो एक जज्बा रहता है वो यही है कि निवेदन करना, और निवेदन मंदिर समिति द्वारा भी किया जा रहा है। तो अगर आप हमें देख रहे हैं तो बस हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अगर आपका सेकेंड डोज बचा है या आपके परिवार में किसी का सेकेंड डोज बाकी है तो जल्द से जल्द सेकेंड डोज वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं।